एक समय था जब क्रिकेट मैच टाइमलेस होते थे। टाइमलेस यानी समय की कोई पाबंदी नहीं, जब तक चल रहा है चलने दो का अप्रतिम उदाहरण। तब तक मैच खेला जाता था जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता था। दिन खत्म हो जाता था तो अगले दिन मैच खेला जाता। बीच में बारिश हो जाए और बारिश कई दिनों तक चले तो जब बारिश बंद हो तब मैच फिर से शुरू होता था, लेकिन तब तक खेलते थे जब तक नतीजा नहीं आ जाता था। लेकिन एक रोज समस्या हो गई। इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका से उन्हीं के देश में खेल रही थी और इंग्लैंड जाने वाला आखिरी जहाज रवाना होने वाला था। वो छूटता तो टीम को महीनों तक साउथ अफ्रीका में ही रुकना पड़ता, लिहाजा ये मैच 12वें दिन वहीं का वहीं छोड़ दिया गया। मैच ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया गया। साल था 1939। होते करते शुरू हुए 5 दिन के मैच यानी टेस्ट मैचेस। लेकिन एक बार फिर से ये टाइमलेस क्रिकेट मैच का नाम सुनाई दिया 1939 के 60-70 सालों बाद। मालूम पड़ा कि आईसीसी एक ऐसा ही मैच करवाने की सोच रही थी और ये मैच होना था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के रूप में। यानी जिस तरह से 50 ओवर के मैच में वर्ल्ड कप होता है और दुनिया की सभी टीमें, और सभी टीमों से मेरा मतलब है कि सिर्फ 8-10 टीमें, आपस में भिड़ती हैं और फिर कप उठाने वाली टीम के रूप में सबसे बड़ी टीम का चुनाव होता है, वैसे ही टेस्ट मैचों का भी वर्ल्ड कप होना था और इसको नाम दिया गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इसका आखिरी मैच होना था टाइमलेस टेस्ट, लेकिन फिर किन्हीं वजहों से आईसीसी ने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया। मगर आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आइडिया ड्रॉप नहीं किया। 1 अगस्त 2019 से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो रही है। आईसीसी ने 29 जुलाई को ऑफिशियली इसे लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि ये टूर्नामेंट कहां, कैसे और कब खेला जाएगा। मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं हूं, लेकिन ये कह देता हूं कि आइए मैं आपको इस खेल के नियम समझा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि क्या है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फॉर्मेट। इस टूर्नामेंट में 9 टीमें खेलेंगी, लेकिन ये लगातार खेले जाने वाला टूर्नामेंट नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि सभी 9 टीमें किसी एक जगह इकट्ठा हो जाएं और आपस में 5-5 दिन के टेस्ट मैच खेलने लगें। ऐसा हुआ तो 10-12 खिलाड़ी टूर्नामेंट के दौरान ही रिटायर हो जाएंगे, या फिर वो जो रिटायरमेंट लेने से थोड़ा झिझक रहे हैं इसी बीच में बूढ़े हो जाएंगे। असल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चलेगी 2 साल तक और इस दौरान कुल 71 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। हर टीम 3 टेस्ट सीरीज अपनी जमीन पर और 3 सीरीज बाहरी देशों में खेलेगी। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर खेलेगा या किराए वाले होम ग्राउंड यानी दुबई में खेलेगा। वैसे दुबई ही जाएंगे वो। खैर, फाइनल होगा जून 2021 में और यह खेला जाएगा यूके में, उत्तरकाशी नहीं, यूनाइटेड किंगडम। दूसरा पॉइंट, क्यों करवाई जा रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? क्योंकि अभी तक जो टेस्ट सीरीज होती थी उनके बस 2 ही मकसद होते थे, टेस्ट रैंकिंग सुधारना और ब्रॉडकास्टर के हर दिन 8-10 घंटे ब्लॉक हो जाना। इसके साथ ही कई दिनों तक की फुटेज उसे मिलती थी। इससे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट और कुछ करता दिखाई नहीं दे रहा था। द्विपक्षीय सीरीज यानी बाइलेटरल सीरीज ही होती थी और कमर्शियली वो बहुत खास नहीं कर रही थी। लेकिन अब ऐसी सीरीज एक कॉन्टेक्स्ट में खेली जाएगी। सीरीज अभी भी 2 देशों के बीच ही होगी, लेकिन हार जीत का असर बहुत बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट, कौन कौन सी टीमें खेलेंगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? इसके लिए आईसीसी ने नियम बनाया कि 31 मार्च 2018 को एमआरएफ टायर्स आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में शामिल टॉप 9 टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगी। इस लिहाज से ये 9 टीमें थी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज। चौथा सवाल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इसे समझना बड़ी कलाकारी का काम है। आईसीसी ने इसके लिए बड़ा तिकड़म फैलाया है। हर सीरीज के कुल 120 पॉइंट हैं। सीरीज में चाहे जितने मैच हो 120 पॉइंट ही मिलेंगे। 120 पॉइंट का फायदा यह है कि 2, 3, 4 या 5, 120 इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। यानी हर मैच को इक्वल पॉइंट देने का मौका मिल जाता है। 120 पॉइंट मैच के हिसाब से बढ़ जाएंगे। यानी 5 मैच की सीरीज हुई तो हर मैच के पॉइंट होंगे 24। जीते तो 24 पॉइंट मिलेंगे, ड्रॉ हुआ तो दोनों टीमों को 8-8 पॉइंट मिलेंगे, टाई हुआ तो दोनों टीमों को मिलेंगे बराबर पॉइंट 12-12। 2 मैच की सीरीज हुई तो हर मैच के 60 पॉइंट हुए, ड्रॉ हुआ तो 20-20 पॉइंट मिलेंगे और अगर टाई हुआ तो 30-30। ये थोड़ा तिकड़मी है, आप 2021 तक ये पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ ही जाएंगे, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है।
पांचवा सवाल है कि क्या 2021 तक खेले जाने वाले सभी टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा रहेंगे? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ वो टेस्ट मैच जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा माने गए हैं वही मैच इसके अंडर आएंगे। बाकी जो भी टेस्ट मैच खेले जाएंगे उनकी हार जीत का असर पॉइंट टेबल पर नहीं पड़ेगा। यानी अफगानिस्तान और आयरलैंड के सभी टेस्ट मैच इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं होंगे। ये था मामला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। आईसीसी ने इसे लॉन्च कर दिया है। 1 अगस्त से शुरू हो रहे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले एशेज टेस्ट से इसकी बुहनी हो रही है और आशा यही है कि टेस्ट क्रिकेट की गिरती पॉपुलैरिटी सुधरेगी, लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे और टेस्ट मैचों को भी उतनी व्यूअरशिप मिलेगी जितना T20 और वनडे क्रिकेट को मिलती है, क्योंकि अंत में मामला पैसे पर ही आकर रुकता है। मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं dlallantalk.com।